लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा सुना दी कि अरे उठावे के परी हो, उठावे के परी सर समर में गिरिधारी तो है, उठावे के परी सर समर में गिरिधारी तो है, उठावे के परी उठावे के परी हो, उठावे के परी उठावे के परी हो, उठावे के परी सर समर में गिरिधारी तो है, उठावे के परी सर समर में गिरिधारी तो है, उठावे के परी। तो आज गंगा पुत्र भीष्म हे नारायण आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा के ही दम लेगा, और पांडवों को यदि बचाना चाहते हो तो हे नारायण प्रतिज्ञा तोड़ देना। आज मान की सैया पर उस दिन याद कर रहे हैं पितामह भीष्म, रोते बिलखते भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं कि हे नाथ स्वनिगमम अपाय। अरे भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दे, इंसान की तो एक सीमा है, थोड़े दिन के लिए आया है संसार छोड़ के चला जाएगा, लेकिन भगवान जिनकी आज्ञा से सूर्य संसार को प्रकाश देते हैं, जिनके आज्ञा से वायु देवता सबको श्वास देते हैं, मेघ बरसते हैं, अग्नि जलती है, सारी प्रकृति जिससे डरती है, और वह भगवान आज भीष्म के इस कठोर प्रण के सामने युद्ध भूमि में भगवान ये दृश्य देख रहे हैं। आज ऐसा विचित्र युद्ध लड़ा पितामह भीष्म ने, जैसे सावन भादों में आसमान से पानी बरसता है ना, ऐसे ही पितामह भीष्म का बाण बरसने लगा, पूरी पांडव सेना तहस नहस हो गई। चार पांडव अस्त्र विहीन रथ विहीन हो गए। अब तो सीधे अर्जुन से भीष्म पितामह का मुकाबला हो गया रणभूमि में। आज पितामह भीष्म ने अर्जुन को भी परास्त कर दिया, उनके सारे बाणों को नष्ट कर दिया, उनके धनुष को दूर फेंक दिया, और जिस रथ को स्वयं भगवान कृष्ण हाँक रहे थे उस रथ को भी पितामह भीष्म ने तोड़ दिया। भगवान कृष्ण भूमि पर गिर पड़े, अर्जुन निहत्थे भूमि पर पड़े हैं। अब पितामह भीष्म चाहते तो उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बाण उठाया। अब जब अर्जुन पर ही काल मंडराने लगा तब भगवान विवश हो गए, और भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ दी। भगवान दौड़ करके रथ का चक्का अपने हाथ में उठा लिए, रथ का चक्का भी चक्र सुदर्शन जैसा ही होता है, उसको भी संस्कृत में चक्र ही कहते हैं। रथ के चक्का को ही भगवान अपने हाथ में लेके ऐसा उंगली में नचाए कि लगा कि सचमुच का चक्र सुदर्शन भगवान के हाथ में विराजमान है, और वही रथ का चक्का लेकर के पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान कृष्ण बड़े वेग से जब बढ़े तो धरती कांपने लगी कि आज सत्य नारायण भगवान ने सत्य तोड़ दिया। धरती सत्य पर टिकी है, धरती कांप रही है कि अब सत्य की रक्षा कौन करेगा जब भगवान ही सत्य छोड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने पीताम्बर भूमि पर फेंक दिए, और भूमि को पीताम्बर वस्त्र ने भगवान का वस्त्र भी चिन्मय है समझा दिया कि हे भूदेवी आज भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दे, इसी में तेरा भला है, क्योंकि यदि भगवान आज अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे तो कृष्ण की प्रतिज्ञा तोड़वाने के लिए पितामह भीष्म प्रलय मचा देंगे, पूरी धरती उलट पलट के धर देंगे। इसलिए हे भूदेवी
जीव मात्र के कल्याण के लिए, प्रलय से संसार को बचाने के लिए आज भगवान ने प्रतिज्ञा तोड़ी है, इसलिए तू शांत हो जा। और जब भगवान अस्त्र उठा के भीष्म की ओर दौड़े, भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भीष्म ने अस्त्र शस्त्र रख दिया, हाथ जोड़ लिए। आज बाण की शैया पर वो दिन याद कर रहे हैं कि हे नाथ, तुम कितने दयालु हो जो पांडवों के लिए प्रतिज्ञा तोड़ देते हो। एक अदना से भीष्म पितामह के जिद के सामने नारायण की प्रतिज्ञा भंग हो गई। हे अनंत दया के सागर भगवान, हम आप में गति पाना चाहते हैं। अंत में पितामह के शरीर से दिव्य तेज प्राण ज्योति निकली, भगवान के श्री चरणों में विलीन हो गए। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हो गया। पांडवों ने पितामह भीष्म का संस्कार संपन्न किया और संस्कार संपन्न हो जाने के पश्चात अब तो पांडव हस्तिनापुर के राजा बन गए। पांडवों के राज में एक दिन विदुर जी का आगमन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर बड़े खुश हुए, विदुर जी का स्वागत किया और कहा कि हे महात्मा विदुर, आप धर्मराज युधिष्ठिर के महामंत्री बन जाओ। विदुर जी ने कहा, मेरा मन अब राजकाज में नहीं लगता है, अब हम तो साधु सन्यासी हो गए और अब हम इस प्रपंच में नहीं पड़ेंगे, इसलिए हम राजकाज अब देखने में असमर्थ हैं। महात्मा विदुर तो एक जरूरी काम से आए थे। सबसे मिलजुल के लास्ट में विदुर जी धृतराष्ट्र राजा से मिलने गए। अब धृतराष्ट्र राजा तो एकांत में पड़े हैं अकेले। राजा थेत लाखों नौकर चाकर और उनकी आज्ञा सुनी जाती थी, अब तो पांडव राजा हो गए और धृतराष्ट्र एकांतवास कर रहे हैं। विदुर ने जाकर के धृतराष्ट्र को समझाया कि आप आंखों से अंधे हो पर आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है। हे महाराज, आप चाहते तो महाभारत युद्ध रुक सकता था, लेकिन आप पुत्र मोह में अंधे हो गए थे। एक तो आंख से अंधे और उसमें भी मोह का अंधकार। लाखों करोड़ों लोग इस युद्ध में मारे गए। हे बड़े भैया धृतराष्ट्र, अब आपको बुढ़ापा आ गया, जीवन बड़ा अल्प समय बचा है। अब एक काम करो, अपना मन भगवान में लगाओ। अब आपको पांडवों के घर बैठ के केवल रोटी खाने में जीने में समय नहीं बिताना चाहिए, अब आपको अपना मन भगवान में लगाना चाहिए। क्योंकि आत्मा च जरयाग्रस्ता परगे निवासनम। शरीर वयोवृद्ध हो जाए तो दूसरे का भार बन के दूसरे के घर नहीं रहना चाहिए, वृद्धावस्था में अपनों के करीब रहना चाहिए। धृतराष्ट्र, अब उनका अपना तो कोई बचा ही नहीं, सौ बेटे मर चुके हैं, राजकाज सब कुछ छिन चुका है, अब दो ही हैं पति पत्नी। ये तो पांडवों का बड़प्पन है जो धृतराष्ट्र को रोटी दे देते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र ने तो अपने चाहते पांडवों को उनका हक दिया ही नहीं। लेकिन आज अंत समय में बुढ़ापा में उसी शत्रु पांडवों के घर बैठे हैं धृतराष्ट्र, और उन्हीं की दी हुई रोटी जैसे कुत्ता द्वार पर बैठा रहता है, आस लगाए कि घर का मालिक खा लेगा, एक टुकड़ा ले आके उसके सामने डाल जाएगा, ऐसे ही
कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हैं धृतराष्ट्र गांधारी। अब पांडवों के रहम पर जो कुछ मिल जाता है चुपचाप खा के पड़े। विदुर जी ने कहा कि यही तन कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल केवल जीना खाना ही नहीं है, जीने खाने के लिए इस संसार में तो पशु पक्षी भी पेट भर लेते हैं। हम मनुष्य हैं और मानव जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना, भगवान को प्राप्त करना। हे बड़े भैया, अब ये राज सुखे सुविधाए घर ये महल ये अनेक अभिलाषा छोड़ो और चलो वन में एकांत में बैठ के भगवान का भजन करो। क्योंकि जब से दुनिया बनी तभी से, ये दुनिया जब से बनी है, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। अरे क्यों लग गफलत में बैठा प्राणी, यह तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में बैठा प्राणी, ये तो मुसाफिर खाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से, जब से दुनिया बनी तभी मुसाफिर खाना है। घूमते घूमते कोई आएगा मुसाफिर खाने में, रात भर टिकी अगले दिन अगले यात्रा पर चला जाएगा। ऐसे ही संसार में लोग आते हैं और अपनी आयु पूरी करके दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। क्यों गफलत में बैठा प्राणी, है तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में बैठा प्राणी, है तो मुसाफिर खाना रे। जिनका जग में नाम है अब तक, ऐसे भी बलवान हुए, ऐसे भी बलवान हुए, ऐसे भी बलवान हुए। अरे इस संसार में ऐसे ऐसे बलवान पहलवान हुए कि आज तक उनका नाम है। जिनका जग में नाम है अब तक, ऐसे भी बलवान हुए, ऐसे भी बलवान हुए, ऐसे भी बलवान हुए। वह भी आकर इस दुनिया में कुछ दिन के मेहमान हुए, कुछ दिन के मेहमान हुए, कुछ दिन के मेहमान हुए। कोशिश की पर काल के आगे, कोशिश की पर काल के आगे चल ना सका बहाना रे। क्यों गफलत में बैठा प्राणी, ये तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में बैठा प्राणी, ये तो मुसाफिर खाना रे। कोशिश करने वाले कोशिश कर करके थक गए, लेकिन सबको इस संसार को एक दिन छोड़ के जाना पड़ता है। तो बड़े बड़े बलवान भी चले गए संसार से। टिकने वाला सदा नहीं रह पाता है, सदा नहीं रह पाता है, सदा नहीं रह पाता है। लाख कमाए
किंतु एक दिन खाली हाथ ही जाता है, खाली हाथ ही जाता है, खाली हाथ ही जाता है। फिर यों झूठी चमक दमक पर, फिर यों झूठी चमक दमक पर, मन तू हुआ दीवाना रे, क्यों गफलत में मरता प्राणी। शनाथ बना देने की क्षमता श्री रघुनाथ में, क्षमता श्री रघुनाथ में है, क्षमता श्री रघुनाथ में है। राम नाम रट प्रभु का बन जा, राम नाम रट प्रभु का बन जा, नहीं पड़े पछताना रे, गफलत में मरता प्राणी, ये तो मुसाफिर खाना रे, क्यों गफलत में दुनिया बनी तभी से, जब से दुनिया बनी तभी से, लगा है आना जाना, क्यों गफलत में बैठा प्राणी, है तो मुसाफिर खाना, क्यों गफलत में बैठा प्राणी, है तो मुसाफिर खाना। विदुर जी ने समझाया कि संसार सराय का डेरा है, यहां कोई जुगों जुगों नहीं रह सकता। प्यास लगती तो पनघट की याद आती है, लाज लगती तो घूंघट की याद आती है, और जिंदगी की जैसे जैसे उम्र ढलती है, ऐसे वैसे मरघट की याद आती है। धृतराष्ट्र को यही बात विदुर जी समझा रहे हैं कि जीवन अब अल्प समय के लिए शेष बचा है। हे महाराज धृतराष्ट्र, अब वृद्ध हो, अब अंत काल है, भगवान का चिंतन करो, मन भगवान में लगाओ, क्योंकि ये संसार नित्य न किसी का था, न है न रहेगा। बहुतों ने अपना अपना मान के बैठा इस दुनिया को कि ये मेरा है मेरा है, और सब दुनिया छोड़ के चले गए। दुनिया जस के तस जहां के तहां पड़ी है, इसको कोई लेके नहीं जा सका। इसलिए हे महाराज धृतराष्ट्र, भगवान में मन लगा। विदुर जी महाराज आधी रात को धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ के लेके निकल पड़े। दिन में इसलिए नहीं ले गए कि लोग रोक लेंगे, क्यों ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत है। महात्मा ने सोचा दुनिया को सो जाने दो, ये भगवान से मिलने की यात्रा है, क्यों किसी के मोह में, क्यों किसी के रोकने टोकने में पड़े। तो आधी रात को दुनिया सो गई तो विदुर जी धृतराष्ट्र का हाथ पकड़ के लेके निकल पड़े। आए हिमालय की तलहटी में, गंगा जी के किनारे एक सुंदर सी गुफा में ले आके धृतराष्ट्र और गांधारी को बैठा दिया। हे महाराज, अब आपका जीवन खाली चार दिन शेष बचा, और ये चार दिन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा विदुर ने एक मंत्र बता दिया कि भगवान का ध्यान लगाओ, इसी मंत्र का जप करो,
और यदि अंत में मति भगवान में लग गई तो गति भगवान में हो जाएगी, सारे पापों से तो मुक्त हो जाएगा। और विदुर जी की बात मानने का परिणाम यह हुआ कि चार दिन की साधना में धृतराष्ट्र और गांधारी संसार से और इस सांसारिक जीवन से मुक्त हो गए। कुछ समय बीतने के पश्चात पांडवों के घर उत्तरा के गर्भ में जाकर के जिस बच्चे की भगवान ने रक्षा की थी, उत्तरा के गर्भ से उस शिशु का, उस बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म लेने के बाद रोने लगा, ऐसे तो सब बच्चे जन्म के पश्चात रोते हैं लेकिन कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं। लेकिन उत्तरा का बालक जन्म के पश्चात जो रुदन शुरू किया तो उसका रुदन बड़ा विशेष था, वो रोना बंद ही नहीं किया, पूरे दिन रोता रह गया। पांडव घबरा गए कि हम जिस बच्चे के जन्म की खुशी मना रहे हैं वो बच्चा 12 घंटे से निरंतर रो रहा है। राज वैद्य कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने गुरुजनों ऋषि मुनियों का आश्रय लिया और गुरुजनों से पूछा कि ये बालक क्यों रो रहा है, कैसे शांत होगा। ऋषि मुनियों ने बालक के जन्म के लग्न और नक्षत्र का चिंतन किया और सोच विचार के तत्वज्ञ त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों ने बताया यह बालक किसी को खोज रहा है और जब तक अपने पसंद के व्यक्ति को खोज नहीं लेगा तब तक ये चुप नहीं होगा। अरे बालक जानते किसको खोज रहा है? अरे गर्भ में जिस परमात्मा ने इस बच्चे की प्राण रक्षा की है उसी ईश्वर को खोज रहा है कि इस संसार में वह भगवान कहाँ है। ऋषि मुनियों ने कहा कि अधिक से अधिक लोग इस बच्चे के करीब जाओ, देखो ये किसे खोज रहा है, हो सकता कोई इसके पसंद वाला व्यक्ति मिल जाए तो ये बालक रोना बंद कर देगा। हजारों लाखों लोग इस बालक के सामने गए पर बालक का रुदन बंद नहीं हुआ, सबका चेहरा बड़े ध्यान से देखकर फिर रोने लगा। अंत में द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब इस बालक के सन्मुख पहुंचे, भगवान को देखते ही पहचान गया। बालक टकटकी लगा के भगवान को देखने लगा, रोना बंद हो गया। भगवान भी अपने भक्त को अपने गोद में उठा लिए, भगवान के हृदय से यह बालक लिपट गया। इसी कारण इस बच्चे का नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। इसने इस संसार के अनंत जीवों में अपने भगवान को खोज निकाला, परीक्षण करके खोज लिया, सबका मुख देखा लेकिन जब भगवान दिखाई दिए तो एक क्षण में पहचान लिया। हम आप पूरा जीवन बीत जाता पर भगवान को नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर कभी प्रबल प्रेम उमड़ता ही नहीं। हम लोग अपने प्रपंचों के लोभ मोह के दास बन गए हैं, हमारे अंदर भगवान के दर्शन की प्रबल लालसा आई कहां। भगवान तो तब दिखते हैं जब किसी की आंखों में भगवत दर्शन की प्यास हो। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे।
घट घट बासी रे दर्शन दो में भगवत दर्शन की प्यास होती उनके सामने भगवान आते हैं। इस बालक के सामने आते ही इस बालक ने भगवान को पहचान लिया, भगवान भी अपने भक्त को पहचान लिया। इसीलिए लोक में इस बच्चे का नाम ही पड़ गया परीक्षित। इसने परीक्षण करके अपने भगवान को खोज लिया। ऋषि मुनियों ने इस बालक का नाम रखा विष्णुरात। इनका असली नाम विष्णुरात है। विष्णुना नारायणेन रातः दत्तः। भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने इस बालक की प्राण रक्षा की है, इसलिए गुरुजनों ने नाम रखा विष्णुरात। सुखदेव जी का असली नाम है ब्रह्मरात। एक ब्रह्मरात है, एक विष्णुरात है। और जहां ब्रह्मरात जैसा वक्ता और विष्णुरात जैसा श्रोता होता, वहां भागवत की गंगा प्रवाहित होती है। पांडव प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनियों ने बच्चे का भविष्य सुनाया कि यह बालक भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त होगा, भगवान राम के आदर्शों पर चलेगा, राजा हरिश्चंद्र की भांति सत्यवादी होगा। ये महाराज दधीच की भांति दानवीर होगा, राजा रघु के समान वीर होगा, रंतिदेव की समान अतिथि भक्त होगा। उसकी अनेक अच्छाइयां ऋषि मुनियों ने बताई। पांडव तो खुश हो गए। पांडव के घर में बधाई बजने लगी। महाभारत युद्ध के बाद एक खुशी का दिन आया है। जो पांडव कौरव कुल का अंतिम चिराग, अंतिम कुल दीपक उत्पन्न हुआ, इसलिए पांडव का घर खुशियों में भर गया। लालन पालन होने लगा। बालक थोड़ा बड़ा हुआ, वास्तव में परम भक्त हुए श्री परीक्षित जी महाराज। इनकी अवस्था जब 27 वर्ष की हुई, एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर रात्रि में सो रहे थे, डरावना स्वप्न देखे। धर्मराज युधिष्ठिर भयभीत हो गए, भगवान शिव को मनाने लगे। जग करके देख रहे हैं तो कहीं सियार रो रहा, कहीं कुत्ता, कहीं बिल्ली, पशु पक्षियों के रोने बिलखने की डरावनी आवाज सुन करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े व्यथित हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि इस संसार में कोई भयंकर अघटित घटना घट गई। सवेरा हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि तेरा छोटा भाई अर्जुन 7 महीना पहले श्री कृष्ण से मिलने द्वारिकापुरी गए थे। 7 महीना हो गया न अर्जुन का कोई संदेश मिला, न भगवान कृष्ण का कोई खबर मिला, और आज ये डरावना स्वप्न हमें भयभीत कर रहा है। हे भीम, जरा पता लगाओ। हर दिशा में भीम ने गुप्तचर भेजे। उसी समय
अगले दिन द्वारिकापुरी की दिशा से एक रथ आके हस्तिनापुर के राजद्वार पर खड़ा हो गया। वो रथ वो घोड़े अर्जुन के घोड़े हैं और उस रथ में बेहोशी की हालत में अर्जुन पड़े थे। भीम ने सहारा देके उतारा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा कि इतने बड़े विश्व विजयी योद्धा को क्या हो गया, उसके चेहरे से मुस्कान कहां चली गई, उसके शरीर का तेज और ताकत कहां चला गया। हे अर्जुन, तू जुआरी हो गया कि शराबी हो गया कि मांसाहारी हो गया कि वैश्यागामी हो गया, अथवा किसी को जबान देके अपने जबान रक्षा नहीं कर पाए, शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए, किसी अबला की रक्षा नहीं कर पाए, किसी दीन दुखी की रक्षा नहीं कर पाए, कौन सी भूल हो गई जो तेरे चेहरे का तेज नष्ट हो गया। रोते हुए अर्जुन ने टूटे फूटे शब्दों में उत्तर दिया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये न मे परतम तेजो देव विष्मापनम महत। हे हमारे अग्रज, हमारा तो सर्वस्व लूट गया, कुछ नहीं बचा। हे मेरे बड़े भैया, जिस भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश ने भरे दरबार में रानी द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने महाभारत युद्ध जिताया, जिन्होंने हमारा रथ हांका, जिन्होंने गर्भ में जाकर के परीक्षित की प्राण रक्षा की, कदम कदम पर जो हमारे काम आए, वह हमारे सर्वस्व भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। हे बड़े भैया, वो धराधाम छोड़ के इस संसार से अपने स्वधाम दिव्य धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम जाना सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत शोक संतप्त हो गए। उन्होंने माथे से मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र उतार दिया, तपस्वी वेश धारण कर लिया। उनके पीछे पीछे चार पांडव भी सब तपस्वी बन गए। रानी द्रौपदी भी अपने पतियों के पीछे तपस्विनी वेश धारण करके खड़ी। परीक्षित को राज मुकुट पहना दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों से कहा, मिलजुल करके राज चलाओ, क्योंकि हम कृष्ण के वियोग में अब एक क्षण भी धरा पर नहीं रह सकते। और पांचों पांडव चल पड़े स्वर्गारोहण की यात्रा की ओर। उबद्रिकाश्रम से आगे बर्फों में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, शतोपंथ की यात्रा में चलते चलते रानी द्रौपदी थक गई। अब उससे चला नहीं जा रहा। अत्यंत सुकुमारी रानी द्रौपदी मार्ग में बैठ के रोने लगी, अपने पतियों को पुकारी, मेरी सहायता करो, मैं चल नहीं पा रही हूं। लेकिन कोई पांडव पीछे मुड़ के देखे नहीं, सब छोड़ के चले गए। यही जीवन की सच्चाई है, अंतिम यात्रा में कोई किसी का साथी नहीं है। सबको संसार में अकेले जन्मना पड़ता है और अकेले ही संसार छोड़ के जाना पड़ता है। द्रौपदी रानी भगवान को पुकारने लगी, हे नाथ, इन पांडवों के रहते हुए भी जब जब मुझ पर संकट आया है तो आपने हमारी लाज बचाई है। पहले भी आप पर विश्वास था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हे भगवान, अब तो संसार से जाने का अवसर आ गया है, हमें क्षणिक दर्शन दे दो और आपके चरणों में मैं गति पाना चाहती हूँ। द्रौपदी की प्रार्थना पर भगवान का क्षणिक दर्शन हुआ और भगवान के चरणों में रानी द्रौपदी ने अपने प्राणों को विसर्जित कर दिया। आगे चलने पर सहदेव बर्फों में चलते चलते गल के नष्ट हो गए, नकुल भी नष्ट हो गए,
अर्जुन और भीम भी बर्फों में गल गए। अंतिम स्वर्गारोहण तक सतोपंथ तक केवल युधिष्ठिर पहुंचे। भगवान धर्मराज रथ लेके खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के स्वागत में फूल बरसाया गया। धर्मराज ने कहा इस विमान में बैठो, चलो भगवत धाम। धर्मराज युधिष्ठिर उस दिव्य विमान में बैठ गए। विमान उड़ चला। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, आपने अपने जीवन में आधा झूठ बोला और आधे झूठ का भी दंड मिलेगा। आपको नरक घुमाया जाएगा, भोगना नहीं पड़ेगा, लेकिन नरक में इस विमान में बैठा के घुमाएंगे। कल्पना करिए, आधे झूठ का भी भगवान दंड देते हैं, और जो रोज बोलते उनकी क्या हालत है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। नहीं असत्य शम पातक पुंजा, झूठ से बड़ा संसार में कोई पाप नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर को नरक दिखा करके देवदूत भगवत धाम लेके चले। परीक्षित जी राजा बन गए। राजा बनने के पश्चात परीक्षित दिग्विजय के लिए विश्व भ्रमण पर निकले। नगर नगर, शहर शहर जनता दरबार लगा करके जनता की फरियाद सुनने लगे परीक्षित जी। लेकिन जब दक्षिण भारत में पहुंचे राजा परीक्षित, दक्षिण भारत विद्वानों की नगरी, बड़े बड़े ज्ञानी तत्वज्ञ ऋषि मुनि आ गए, और ऋषि मुनियों ने एकांत में बैठा करके धर्म राज युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित जी को एक बात समझाया। ऋषि मुनियों ने कहा, हे परीक्षित जी, आप साधारण राजा नहीं है, आप भगवान कृष्ण की गोद में खेले हो, आपके ऊपर कृष्ण भगवान का विशेष अनुग्रह है। हे परीक्षित जी, जिस दिन भगवान कृष्ण धराधाम छोड़ के चले गए, उसी दिन आपके राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया, और कलयुग अभी अपने पैर पसार रहा है। यदि पूरी दुनिया में उसने हाथ पांव पसार लिया, तो पूरे संसार में अधर्म ही अधर्म होगा। चारों ओर अनाचार, दुराचार, अत्याचार, पापाचार होगा। हे परीक्षित जी, आने वाला समय बड़ा विकृत होगा, क्योंकि यह कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। कलिकाल बड़ा प्रबल होता, कलयुग जिसके सिर पर सवार हो जाता है, तो नर नारी सब पाप परायण हो जाते हैं, सबकी नियत बिगड़ जाती है, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। लोग पाप करने में, झूठ बोलने में, ठगने में, छलने में, दंभ पाखंड करने में लोग चूकते नहीं। हे परीक्षित जी, आप चाहो तो कलयुग को बांध सकते हो। नियम और कानून में अनुशासित कर सकते हो। तो आप अभी कलयुग की शुरुआत है, और कलयुग को बांध करके उसकी सीमा, उसका दायरा सीमित कर दो। ऋषि मुनियों की बात मान करके राजा परीक्षित कलयुग की खोज में निकल पड़े। अभी जंगल प्रांत में कलयुग प्रवेश किया है। जब वन प्रांत में
राजा परीक्षित विचरण करने लगे तो जंगल में देखा कि एक जगह गाय और बैल दोनों रो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। एक गाय और एक बैल को रोते बिलखते देख करके इस देश का राजा परीक्षित रथ से कूद पड़ा और गाय और बैल के आंसू पोंछने लगा। हे गौ माता, मेरे भगवान कृष्ण को अतिशय प्रिय लगती हो आप। हमारे भगवान ग्वाल बनकर के, गोपाल बनकर के गौ के पीछे पीछे वन वन घूम के गाय चराते थे। जिस भगवान ने नंगे पांव गौ की सेवा की, बहुत प्यार दिया जिस भगवान कृष्ण ने गौ को, उनके राज्य में गौ कभी दुखी नहीं रही, हरदम प्रसन्न रही, किसी गौ के आंखों से कभी आंसू नहीं गिरा। परीक्षित सोचने लगे, हमारे आराध्य कृष्ण की प्राण प्रिय गौ माता हमारे कृष्ण के जाते ही आज रो रही है अनाथ की तरह। आज कोई गौ के आंसू देखने वाला नहीं है। परीक्षित ने पूछा कि हे गौ माता, आपको किसने कष्ट पहुंचाया है, हमें बताओ। हम राजा हैं, हम उसे मृत्यु दंड देंगे, कठोर से कठोर दंड देंगे। गौ माता आज अनाथ की भांति रोते हुए अपना दुखड़ा व्यक्त करने लगी। आज वास्तव में सबसे ज्यादा किसी को सताया जा रहा है तो गौ वंश को सताया जा रहा है। एक गौ माता धरती की धारक तत्व है। सात लोगों के पुण्य प्रताप से धरती टिकी हुई है, नहीं तो पाताल में चली जाती है। उस सात धारक तत्वों में सबसे पहली धरती को धारण करने वाली यदि कोई पुण्यात्मा इस संसार में है तो गौ माता है। एक भी संसार में एक भी ऐसा घर नहीं है जिस घर की इज्जत बिना गोरस के बन जाती है। हर घर में दूध की जरूरत पड़ती है भाई। बिना दूध के न चाय बन पाएगा, न सुंदर मिठाइयां बन पाएंगी, न खीर बन पाएगा, न दही बन पाएगा, न मट्ठा बन पाएगा। धर्म की मूल है गौ माता। पूजा में बैठो तो सबसे पहले पंचामृत खोजा जाता है। बिना गाय के दूध दही घी के कोई पंचामृत बन नहीं सकता, पंचगव्य नहीं बन सकता। कितनों बड़ा यज्ञ करो, बिना गाय के घी के आहुति नहीं होती। सारे धर्म की मूल गौ माता है। और आज हम सब इतने अज्ञानी हो गए हैं कि हम गाय का ही तिरस्कार कर रहे हैं। जो गाय अपने बछड़े के अंश का दूध हम मनुष्यों को दे देती है, दूध सबको अच्छा लगता है पर गाय अच्छी नहीं लगती। क्या दुर्भाग्य इस देश का और इस समाज का। एक गौ माता गोलोक में भगवान कृष्ण के धाम में रहती थी, लेकिन हम मानवों पर भगवान को तरस आई और गोलोक से भगवान गौ माता को धरती पर लेके आए कि गौ मैया अमृत जैसा दूध बरसा के संसार को स्वस्थ और सुखी बनाए। और आज ये अज्ञानी मानव उसी गौ पर अन्याय कर रहा है। सबसे ज्यादा तिरस्कार किसी का हो रहा है तो गाय का हो रहा है, बछड़ों का हो रहा है, बैल का हो रहा है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि हे कृष्ण भगवान, आपका भगवान कौन है, तो कृष्ण भगवान यही कहते हैं कि हमारी भगवान गौ माता है। गौ माता हमारे भगवान की भी भगवान है। कृष्ण भगवान की प्रतिज्ञा है कि जहां दो चार गौ रहती है, कृष्ण भगवान कहते कि उनके बीच में गोपाल बनकर के मैं रहता हूं। गावो में जागृत पातु गावो में संतु पृष्ठत,
गावो मे पुरतः संतु गवाम मध्ये वसाम्य हम। जिस परिवार में गऊ प्रसन्न रहती है उस परिवार पर भगवान का आशीर्वाद बरसता है। भैया बड़े बड़े यज्ञ पूजा पाठ न कर पाओ तो कम से कम गौ सेवा ही ईमानदारी से कर लो तो आपके उस प्रयास से लोक परलोक सब सुधर जाएगा। क्योंकि सारा धर्म सारा पूजा पाठ सारे तीर्थ गौ के चरणों में बसते हैं। साक्षात गंगा मैया गोमूत्र में बसती है, लक्ष्मी माता गोबर में बसती है, गोमये बसते लक्ष्मी, रोम रोम में गऊ के देवताओं का अनंत कोटि देवताओं का वास है और हम अज्ञानी जीव यहाँ वहां भगवान को खोजते हैं। भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो भगवान को प्राप्त कराने का माध्यम गऊ माता है हम उसकी सेवा से बच रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। भाई सबको भोजन चाहिए संसार में, और आपको मालूम है धरती माता का भोजन क्या है। हम धरती में चाहते खूब अन्न उपजे, खूब फल लगे, लेकिन ये धरती को भी भूख लगती है और धरती का भोजन है गाय का गोबर। मिट्टी में यदि गाय का गोबर गाय के गोबर से बना खाद न डाला जाए तो ये मिट्टी कुछ दिनों बाद धीरे धीरे प्रभावहीन हो जाती है, तेजहीन हो जाती है, उसमें उपज शक्ति बंद हो जाती है और ज्यादा दिनों में तो भूमि ऊसर हो जाती है। इसलिए सारे सनातन धर्म की मूल गऊ माता है। हम सभी को लज्जा संकोच छोड़ करके गऊ पालना चाहिए। धरती की प्रतिनिधि भी है गऊ माता। आज राजा के सामने साक्षात धरती का ही संदेश लेके गऊ खड़ी है। धरती माता ने कहा, गऊ माता ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं धरती माता का संदेश लेकर के उनकी प्रतिनिधि रूप में खड़ी हूं। आज ये धरती बहुत दुखी है। क्यों? धरती माता कह रही है कि समुद्र का बोझ मेरे लिए बोझ नहीं है, पर्वतों का बोझ बोझ नहीं है, नदियों का बोझ बोझ नहीं है, लेकिन पाप भूमि से भारी। ये पाप का बोझा धरती ढो नहीं पाती है, पाप भूमि से भी भारी होता है। और सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। लोगों को भ्रम है कि अगरबत्ती दिखाने से धर्मात्मा बन जाते हैं। भैया हो, केवल अगरबत्ती दिखाने से भगवान खुश नहीं होते। धर्म के चार पैर हैं। धर्म का पहला पैर है सत्य, दूसरा पैर है पवित्रता, तीसरा पांव है दया और चौथा पांव है दान। सत्य बोलोगे तो अपने आप हर क्रिया आपकी पूजा बन जाएगी, असत्य बोलो ही ना, खाली अगरबत्ती जलाओ कोई मतलब नहीं। पवित्रता रखो ना तो आपकी पूजा अधूरी है, पवित्रता से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले जमाने में खड़ा होकर खाली गधा और पशु बैल भैंसा जो पशु होते थे वही खड़े खड़े खाते थे। इसीलिए परंपरा है कि भाई जानवर के लिए नाद बनाया जाता, वो खड़ा खाएगा, वो बैठ के नहीं खा सकता। ये नाद केवल पशुओं के लिए बनता था, लेकिन अब आदमियों के लिए नाद बनता है ना। दो पैर वाले पशु आएंगे बिना पूंछ के बिना सींग के, वो खड़े खड़े लेके घूम घूम के खाएंगे। पवित्रता कहां रही? बनाने वाले वही पान पुकार खा के थूक रहे हैं, वही बीड़ी पी रहे हैं, वही सिगरेट पी रहे हैं, जूता पहन के बना रहे हैं, कोई शुद्धता नहीं। अब कुछ तो और न जाने क्या क्या मिला दे रहे हैं, बड़ी दुर्दशा। पवित्रता नाम की चीज कहां रही?
जिस साबुन से हाथ धो के आप स्वच्छ हो जाते हो, उस साबुन में चर्बी पड़ती है। जिस शैंपू से आप बाल धो लेते हो, उसमें अंडे पड़ते हैं। शुद्ध कहां रहा? बाजार की हर चीज मिलावटी है। हो सकता शुद्ध दूध खोजो बाजार में न मिले, लेकिन 10 क्विंटल पनीर खोजो तो आपको सवेरे दे देगा व्यापारी। आपको ट्रक भर घी चाहिए तो मिल जाएगा बाजार में, बिना गौशाला के बिना गाय के घी मिल जाएगा। अब बाजार सहारे जो बैठा है वो सोचे कि हमको शुद्ध चीज मिलेगा, भूल जाओ शुद्धता। शुद्ध मिल ही नहीं सकता। शुद्ध के लिए तो स्वयं परिश्रम करके अपने हाथ से अपने जमीन में खेत में पैदा करोगे, तब शुद्ध घी शुद्ध दूध मिल सकता है। बाजार में सब बनावटी मिलावटी ही मिलना है। तो पवित्रता भी आज कलंकित हुई है और दया, दया नाम की चीज भी बहुत कम लोगों के अंदर रह गई। अब तो कहीं रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो बेचारा तड़प रहा है, मर रहा है, रक्त बह रहा है, अब बगल से सैकड़ों गाड़ियां गुजर जाती, कोई उठाने नहीं जाता है। दया कहां रही? भाई कोई घायल पड़ा है, लाखों गुजर रहे हैं। कभी कभी तो आदमी घायल अवस्था में ही वहीं दम तोड़ देता, दिन दिन भर पड़ा रह जाता, बगल से लोग मुंह मोड़ के चले जाते हैं। तो दया भी तो नहीं रही। आज गऊ के रूप में धरती माता अपना दुखड़ा सुना रही है और बैल के रूप में साक्षात घर में अपना दुखड़ा सुना रहा है। हे राजा परीक्षित, कलयुग के कारण सत्य बोलने वालों की कमी हो गई, पवित्रता रखने वालों की कमी हो गई, दया और दान प्रवृत्ति कम हो गई। इस कारण आज धर्म रो रहा है, धरती रो रही है। राजा परीक्षित समझ गए कि कलयुग के कारण सारी दुर्दशा हो रही है, अधर्म बढ़ रहा है। परीक्षित जी कलयुग की खोज में निकल पड़े। आगे जाकर के देखा कि काला कलूटा विशाल काय शरीर लिए, राजसी वस्त्र पहने, मुकुट लगाए, हाथ में भाला लिए, अभिमान में मतवाला चूर एक व्यक्ति चला जा रहा। परीक्षित जी पहचान गए कि यही कलयुग है। वो तो पारखी व्यक्ति है। कलयुग को पहचानते ही राजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाए और दौड़े। कलयुग समझ गया कि ये महायोद्धा है, यदि मैंने इनकी चुनौती स्वीकार करके लड़ने की कोशिश की तब तो हम मारे जाएंगे। कलयुग ने चालाकी की, राजा परीक्षित को क्रोध पूर्वक अपनी ओर आते देखा तो भाला फेंक दिया, मुकुट जमीन में धर के हाथ उठा दिया, पाहिमाम पाहिमाम, हे राजा हम आपके शरण में, हमारी रक्षा करो। परीक्षित जी ने कहा, कलयुग हम तो मूड बनाए थे कि तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शरण में आए हुए जीव को हम मारते नहीं। हमारे कुल की यही रीति है कि हम शरणागत को मारते नहीं। तो तेरा प्राण तो बच गया, लेकिन मेरा सख्त आदेश है कि हमारा राज छोड़ के भाग जाओ। तो कलयुग रोने लगा कि पूरे भूमंडल पर, पूरे विश्व पर आपका शासन है, संपूर्ण धरती के एक छत्र सम्राट राजा आप हो, और जाऊं तो जाऊं कहां? हे महाराज, इस युग का नाम कलयुग है। 432,000 वर्ष मेरी आयु है। ब्रह्मा जी ने भेजा है, हे राजा परीक्षित, आपके राज्य में जैसे अरबों खरबों की जनसंख्या की आबादी पूरे विश्व में इस धरती पर निवास करती है,
पूरा विश्व आपकी आज्ञा आपका बनाया नियम कानून का पालन करते हैं, तो हमको भी अपने प्रजा की हैसियत से, अपने नौकर की हैसियत से अपने राज्य में अपने देश में रहने की अनुमति दे दीजिए। हे महाराज, गुलाम बन करके रहूंगा, जो कहोगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हमें भी प्रजा की हैसियत से शरण दे दो। राजा परीक्षित पूछे, कलयुग तेरे अंदर कोई अच्छाई है? कमी तो हम बहुत सुने हैं। तो कलयुग ने कहा, महाराज हमारे अंदर एक अच्छाई है। कलयुग समयुग आन नहीं, अरे जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। हे महाराज, सतयुग में समाधि लगाने पर जो पुण्य फल मिलता था, त्रेता में कठिन ज्योतिष तोमादि यज्ञ करने पर जो पुण्य फल मिलता था, द्वापर में भगवान के दिव्य भव्य मंदिर बना के नियम पूर्वक उपासना करने से जो पुण्य फल मिलता था, कलयुग कहा कि हमारे कलयुग में भगवान के नाम कीर्तन से वही पुण्य फल मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पार, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि। कलयुग की पूजा पद्धति बड़ी सरल है। भगवान का नाम ले लेने से कलयुग जीव का उद्धार कर देता है। इतनी सरल पूजा पद्धति और किसी युग में नहीं रही है। और जब इतनी सरल पूजा पद्धति कलयुग की है, तो हमारा आपका कर्तव्य है कि हम भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करें। हमारा घर मंगल भवन तब बनेगा जब घर में रोज कीर्तन हो, पूरे परिवार के साथ बैठ के सुबह शाम किसी टाइम 10 मिनट कीर्तन हो जाए, तो आपका घर ही मंदिर बन जाए, घर ही मंगल भवन हो जाए। घर में लोग लड़ते झगड़ते हैं तो पूरा गांव टोला जान जाता है। अब कब कीर्तन होता है, कब रामायण पाठ होता, पता ही नहीं चलता, बड़ा अजीब। इसलिए कोशिश करिए, घर में रामायण और भगवान का नाम का कीर्तन हो तो इतना जोर से हो कि पूरा मोहल्ला पूरा एरिया जान जाए। कभी क्रोध आ भी जाए ना, तो इतना धीरे से समझा दो कि पड़ोसी भी न जान पाए कि इस घर में कोई खटपट हुआ। कमियों को छुपाना चाहिए, दुर्गुण छोड़िए, अच्छाई प्रकट करोगे तो लोगों में अच्छा संदेश जाएगा। आजकल हर आदमी चाहता कि बेटा राम लक्ष्मण जैसा हो जाए, और रामायण पढ़ने में लाज
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम कट जाएंगे कटरे तेरे संकट जाएंगे कटरे तेरे संकट जाएंगे कटरे। मन सीताराम सीताराम रटरे मन सीताराम सीताराम रटरे सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परीक्षित को सब कुछ समझ में आ गया। परीक्षित जी ने कहा कलियुग चल तेरे अंदर एक अच्छाई है इस कारण हम तुम्हें शरण में ले रहे हैं, लेकिन जहां कहूं वहीं रहना। राजा परीक्षित ने कलियुग को चार जगह दे दिया। बड़े ध्यान से सोचिएगा कलियुग कहां कहां रहता है, वहां वहां जाने से बचिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मः चतुष्टयः। जुआ के खेल में कलियुग बसता है, जो खेलते हैं उनका पतन करा के ही कलियुग दम लेता है। और दूसरा स्थान है मदिरा शराब। मदिरा में भी साक्षात कलियुग का वास है। पीने वाले कहां कहां गिरते पूछो मत। कोई गड्ढे में तो कोई नहर में तो कोई नाली में कोई रोड किनारे कहां कहां गिरते पूछो। इस सड़ा पानी पीने के लिए भी लोग लाइन लगाते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे उस दिन 24 तारीख को जब तो देखे जगह नदी के किनारे एकदम निचाट जगह और वहां भारी भीड़ लगी थी सड़ा हुआ पानी पीने के लिए। नाली का पानी उतना बदबू नहीं देता है जितना दुर्गंध मदिरा में आता है। पी के आदमी बैठ जा लोग दूर से जान जाते हैं। इसमें साक्षात कलियुग का वास है। 2 लीटर दूध पीजिए तो हो सकता है देर में असर करे, लेकिन इस सड़ा नाली पानी पीजिए तुरंत असर करता है। आदमी वहीं से गिरना पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें साक्षात कलियुग का वास है। जिस देश में गंगा जमुना सरयू जैसी पवित्र अमृत धारा बह रही है, उस देश के लोग सड़ा पानी पिए तो कितना बड़ा दुर्भाग्य और पतन है। और तीसरा है वैश्या का कुशंग। चरित्रहीन के कुशंग में जाना भी कलियुग के निकट जाना है। और सूना जहां जानवर काटे जाते हैं, तड़पा तड़पा के मारे जाते हैं, वहां भी कलियुग का निवास होता है। अब तो बड़ी दुर्दशा, हर चौराहे जानवरों को तड़पा तड़पा के मारा जाता है, काटा जाता है। दृश्य देख के बहुत पीड़ा होती है, लेकिन अब बड़ी संख्या में ग्राहक बढ़े हैं तो अन्याय भी बढ़ा है।
अब तो आदमी इतना पतित हो गया है, बड़े बड़े पूंजीपति पैसे वाले अब जानवरों के पेट के बच्चों का मांस खा रहे हैं, इतना अन्याय बढ़ गया कि गाय के पेट के बच्चे के मांस लोग खा रहे हैं, मार 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 के बकरी के पेट के बच्चे का मांस खा रहे हैं, इतना घोर अनर्थ हो रहा है। ये चार जगह कलयुग का अड्डा है, इस जगह कलयुग वास करता है, जो इन जगहों में जाते हैं उनका पतन कलयुग कराता ही कराता है। चार अड्डा दे दिया राजा परीक्षित ने, कलयुग सोचा कि चारों बुरी जगह दे दिया इन्होंने, और इन जगहों में खुद राजा जाएंगे नहीं, और जब तक राजा पकड़ में नहीं आएंगे तब तक कलयुग का राज होगा कैसे, तब तो धर्म का राज बना ही रहेगा। कलयुग ने बड़ी चतुराई की, राजा परीक्षित का पैर पकड़ लिया और कहने लगा, महाराज चारों बुरी जगह दे दी, इन जगहों में हम चैन से सो नहीं पाएंगे, एक कोई ऐसी अच्छी जगह दे दो जहां में ठीक से थोड़ी देर विश्राम कर सकूं। तो पुनश्च याचमानेन जात रूप मदात प्रभु, जब बार बार उसने एक जगह मांगी, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है एक जगह तुम अपने पसंद की ले लो। तो कलयुग ने मांग लिया कि हम सोने में रहेंगे, सुवर्ण में कलयुग का वास है, इसीलिए चैन पहनने वाले बेचैन ज्यादा रहते हैं क्योंकि उसमें कलयुग का वास है। जब सोने में जगह मिली तो कलयुग खुश हो गया कि राजा का महल सोने का, सिंहासन सोने का, कवच कुंडल सारे, बर्तन सारे, पात्र सोने के होंगे, राजा के करीब रहूंगा और किसी दिन राजा पर अपना अधिकार जमा लूंगा। वास्तव में सोने में कलयुग निवास करता है। धर्मात्मा लोगों को सोना नहीं पहनना चाहिए, ऐसा भागवत में लिखा है। अथ एतानि न सेवेत बुभुषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतः धर्मशीलो राजा लोकपति गुरु। धर्मात्मा को सोना नहीं पहनना चाहिए, जिनको पवित्र बुद्धि रखनी है, भगवान में मन लगाना है, तो सुवर्ण न पहने, राजा न पहने, लोकपति राजनेताओं को भी नहीं पहनना चाहिए, अब गुरु गुरुजनों को भी नहीं पहनना चाहिए। सुवर्ण में जगह मिल गई, कलयुग रहने लगा, समय की प्रतीक्षा करने लगा। परीक्षित ने बहुत दिन राज किया, प्रजा को खूब सुख पहुंचाया। एक दिन राजा परीक्षित अपने राजकोष का सूक्ष्म निरीक्षण कर रहे थे। परीक्षित के बाबा दादा पांडव राजसूय यज्ञ में बड़े बड़े राजाओं को परास्त किए थे। जब बड़े बड़े वीरों को जीतते थे पांडव, तो उनके मुकुट स्वीकार कर लेते थे, उठा ले आते थे, वो विजय का प्रतीक होता था कि अमुक अभिमानी को नष्ट करके उसका मुकुट पांडव ले आए। जरासंध को जब भीमसेन ने वध किया, तो जरासंध का मुकुट, उसमें अनेक मड़ियां जड़ी थी, बहुत दिव्य और सुंदर था उस मुकुट को, भीम ने हस्तिनापुर के राजकोष में रखा था। आज परीक्षित उस खूबसूरत मुकुट को देख के मुंह हो गए, उस पापी जरासंध के मुकुट को अपने माथे पर पहन के जब चले जंगल में शिकार खेलने, अरे पहनते ही कलयुग सवार हो गया। शिकार खेलने की इच्छा हुई, राजा गए जंगल में शिकार खेलने, भटकने लगे, कलयुग मस्तक पर सवार होकर के राजा को प्यास से
तड़पाने लगा। राजा परीक्षित सोचने लगे कि आज कौन सी प्यास लग गई कि हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, पानी के लिए छटपटाने लगे राजा परीक्षित। जंगल में चारों ओर देखा, कहीं पानी मिला नहीं, एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया में आकर के राजा ने आवाज लगाई कि हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। उस कुटिया में समीक नाम के ऋषि समाधि में ध्यान मुद्रा में बैठ के तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित की आवाज उस समाधि में बैठे थे सुने ही नहीं। कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी और परीक्षित को लगा कि ये साधु नहीं ढोंगी है, ये पानी पिलाने से बचने के लिए आंख मूंद के ढोंग कर रहा। भागवतकार कहते हैं कि किसी सच्चे संत महात्मा में कभी आपके दिमाग में ढोंगी भाव आवे तो जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत कर लेना, हो सकता राजा परीक्षित की तरह आपके भी मस्तक पर कहीं कलयुग न सवार होकर के आपसे अपराध न करा दे। लेकिन आज राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, समाधि में बैठे सच्चे संत को ढोंगी समझ बैठे राजा। और गए कुछ दूरी पर, मरा सांप रास्ते के किनारे पड़ा था, अपने धनुष से बाण के सहारे उस मरे सांप को उठा ले आए और महात्मा जी के गले में मरा सांप लपेट दिया राजा परीक्षित ने। संत महात्मा का घोर अपमान कर बैठे, रथ में बैठे चले आए घर। पीछे से समीक ऋषि का पुत्र जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि, ये श्रृंगी ऋषि कुछ दूरी पर कौशिकी नाम की नदी बहती थी, उसी नदी में स्नान करके लौटे और देखा समाधि में बैठे पिताजी के गले में कोई मरा सड़ा सांप लपेट गया है। ये बच्चा मारे क्रोध के तमतमा उठा और उसने कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप दे दिया कि जिसने भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो, मेरे पिता का जिसने अपमान किया है, हम श्राप देते आज के सातवें दिन उस व्यक्ति को तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मौत हो जाएगा। इस बालक ने बाघ बज्रम विशर्ज श्राप दे दिया, श्राप देकर के जल फेंक दिया। श्राप होते ही हाहाकार मच गया, बालक रोने लगा कि मैं अपने पिता की रखवाली किया होता तो मेरे पिताजी का अपमान न होता, मैं नहाने चला गया और देखो कोई मेरे पिता के ध्यानस्थ पिता के गले में मेरा सांप लपेट गया। बालक रोने लगा, उसी समय समीक ऋषि की समाधि भंग हो गई। समाधि से जगते ही वो तो तपस्वी थे, सब कुछ जान गए और अपने बेटे को डांटने लगे, पुत्र राजा परीक्षित से तो कोई गलती हुई ही नहीं थी, कलयुग उनके मस्तिष्क पर हावी हो गया और उनसे गलती करा बैठा। अब तुम बिना सोचे बिचारे श्राप दे दिए, हे मेरे लाल श्राप दे करके आपने इस देश की जनता से आपने राजा छीन लिया। अब कल्पना करो जब इस देश में कोई राजा ही नहीं होगा तो प्रजा का दुख कौन दूर करेगा, समस्या का समाधान कौन करेगा? प्रजा जब दुख पाएगी तो किसको अपना दुखड़ा सुनाएगी, कौन प्रजा को न्याय देगा? हे पुत्र अब तो अराजक तत्व निरंकुश हो जाएंगे, अत्याचारी दुराचारी पापाचारी क्रूर सब निर्दयी सब निरंकुश हो जाएंगे और चारों ओर अत्याचार दुराचार पापाचार होगा। हे पुत्र प्रत्येक पाप के तुम भी भागीदार होगे क्योंकि तूने इस देश की प्रजा से आपने इस देश के राजा को छीन लिया, अब तुम भी प्रत्येक पाप में भागीदार कहे जाओ। लेकिन अब तो जो श्राप हो गया सो हो गया,
समीक ऋषि ने एक महात्मा को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को बताओ कि उनकी आयु अब केवल 7 दिन शेष बची है, क्योंकि जो श्राप हो गया उसे कोई व्यर्थ नहीं कर सकता। राजा परीक्षित घर आए, मुकुट उतारे, कपड़े उतारे, हाथ पांव धोए, जंगल की घटना याद आई। राजा रोने लगे कि मैंने नीच और पाप कर्म किया। समाधि में बैठे महात्मा के गले मेरे सांप लपेट दिया, और भगवान भी अपने अपराधी को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन कोई भगवान के भक्त का अपराध कर बैठे तो भगवान ऐसे को क्षमा नहीं करते, क्योंकि जो अपराध भगत कर करही, 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 राम रोष पावक सो जरही, राम क्रोध की अग्नि में जल जाता है। अरे मैंने नीच पाप कर्म कर दिया, आज मेरी आंखों से धोखा कैसे हो गया, मेरे पांव अपमान को आगे कैसे बढ़ गए, मेरे हाथ से मरा सांप कैसे संत के गले में लिपटा गया। ओहो, अब भगवान को कौन सा जवाब दूंगा। जमराज पूछेंगे कि किस गलती के लिए समाधि में बैठे महात्मा के गले में सांप लपेटा है। अब तो जमराज की यातना सहनी पड़ेगी, क्योंकि वहां जाने पर भगवान के सामने हाजिर होना पड़ता है, प्रत्येक गलती भगवान के सामने स्वीकार करनी पड़ती है। वहां तो चित्रगुप्त भगवान सबका लेखा जोखा लेके पहुंच जाते हैं, संसार की अदालतों में वकीलों की फौज खड़ा कर सकते हो, झूठे दलीलें दे सकते हो, लेकिन जमराज की अदालत में कोई दलील कोई झूठ सांच सुनने वाला नहीं मिलेगा। वहां तो चित्रगुप्त भगवान सब कुछ प्रस्तुत कर देंगे और एक एक कर्मों की सजा मिलेगी। शमन राजा परीक्षित अभी दुखी हो ही रहे थे कि एक महात्मा ने आके सब घटना सुना दिया कि आपको श्राप हो गया है, 7वें दिन आपको नाग डस लेगा। परीक्षित खुश हो गए कि चलो मेरे किए की सजा मिल गई, यही मिल गया। किसी संत महात्मा का अपमान हो जाए और संत डांट फटकार देने तो वहीं आप जमराज के कोप से बच जाते हैं। यदि संत कुछ नहीं कहे और आपने उनका अपमान कर दिया तो उसका क्षमा, उनका मौन हो जाना उस श्राप से भी भयंकर होता है। परीक्षित सोचने लगे महात्मा जी दयालु, इसलिए हमको 7 दिन का मौका दे दिए, हम गलती तो ऐसा किए थे कि हमको एक क्षण में मर जाना चाहिए था, लेकिन चलो संत महात्मा दयालु होते उन्होंने दया की। राजा परीक्षित उसी क्षण राजपाट सब कुछ त्याग दिए। हम लोग छोटे से प्रपंच नहीं छोड़ पाते, अपरिचित राजा तो पूरे भूमंडल के एक छत्र सम्राट थे। जब काल का चक्र चला तो एक क्षण में राजा परीक्षित ने सारा राजपाट त्याग दिया, अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया, और स्वयं राजा परीक्षित तपस्वी का वेश धारण करके अकेले घर से निकल पड़े, गंगा जी के किनारे आके बैठ गए। देखते देखते गंगा के किनारे लाखों संतों की भीड़ इकट्ठा हो गई। राजा ने सभी संत महात्माओं को प्रणाम किया। राजा सोचने लगे कि हम कितने भाग्यवान हैं,
कि बिन बुलाए लाखों संत हमारे पास आ गए। ये मेरा धन्य भाग्य है। लेकिन परीक्षित की आंखों में आंसू बरस रहा है कि एक मैं जो संत के गले में मरा सांप लपेटता हूं और एक महात्मा बिन बुलाए हमारा कल्याण करने के लिए अपने अपने आश्रम छोड़ के आ गए। परीक्षित जी संत महात्माओं से पूछे कि हमारा कल्याण कैसे होगा, मेरी तो मृत्यु मेरे सिर पर मंडरा रही है, सातवें दिन मेरी मौत हो जाएगी। संत महात्माओं ने आपस में सोच विचार करके उत्तर दिया कि हे परीक्षित जी, एकमात्र साधन है भगवान की शरणागति, और भगवान को समझने का सर्वोत्तम साधन है श्रीमद् भागवत जी की कथा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। लेकिन अब भागवत की कथा कौन सुनाएगा? संतों ने कहा व्यास नंदन सुखदेव जी यदि कथा सुना दें तब तो राजा को अवश्य मोक्ष मिल जाएगा। परीक्षित जी भगवान को स्मरण करने लगे कि जिस ईश्वर ने गर्भ में मेरी प्राण रक्षा की, हे भगवान आज फिर मेरे ऊपर काल मर्रा रहा, मेरी रक्षा करो। सरक्षिता रक्षति याति गर्भे। परीक्षित ने जब भगवान को पुकारा तो स्वयं भगवान ही सुखदेव बनकर के प्रकट हो गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र भवत। व्यास पुत्र रूप में भगवान स्वयं कृष्ण सुखदेव बनकर के प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी को देखते ही सारे उठ के खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, गंगा जल लेके उनके पांव धोए, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, उनकी आरती उतारी, एक ऊंचे शिलाखंड पर आसन बिछ गया, सुखदेव स्वामी बैठ गए, सारे संत महात्मा बैठ गए और भगवान सुखदेव के श्री चरणों के निकट राजा परीक्षित बैठ गए। बोली राधा गोविंद भगवान की जय। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सहारा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सहारा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सहारा मेरा। कोई सहारा बिन तेरे भगवान सहारा मेरे। भगवान सहारा मेरे ओ भगवान सहारा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे भगवान सहारा। पति मात पुत्र पितु साथी सब स्वार्थ के संघाती। सब स्वार्थ के संघाती धन होए बने सब जेरे। धन होए बने सब जेरे भगवान सारा। मेरा कोई प्रभु
अज्ञानी, मैं अधम जीव अज्ञानी, तेरी पूजा पाठ न जानी, तेरी पूजा पाठ न जानी, जग में पाप घने रे, जग में पाप घने रे, भगवान सहारा मेरे, भगवान सहारा मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सहारा मेरे, ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सहारा। तुम सब के प्राणन प्यारे, तुम सब के प्राणन प्यारे, घट घट की जानन वाले, घट घट की जानन वाले, मैं आन पड़ा जी महाराज। भगवान की वंदना करके साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही सुखदेव रूप में विराजमान हैं, उनके चरणों में बैठ गए। राजा ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं अपुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे योगियों के परम गुरु, हम पर कृपा करके हम पूछ रहे हैं, बताइए। जानते क्या पूछा? राजा पूछ रहे हैं कि हमें संसिद्धि बताइए। संसिद्धि का अर्थ होता है भगवान को खुश करने वाला उपाय। संसिद्धि माने भगवान को खुश करने वाला उपाय, यानी किस प्रयास से, किस पूजा से भगवान प्रसन्न हो जाते, उस उपाय को ही संसिद्धि कहते हैं। परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, न सिद्धि चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, भगवान कैसे खुश होते, उपाय बता दो। भगवान को खुश करने वाला उपाय पूछा। सुखदेव जी खुश होकर उत्तर देना आरंभ किए कि राजा, तेरा प्रश्न बड़ा कल्याणकारी है, तेरे प्रश्न से सारे जीव मात्र का कल्याण होगा। इसलिए राजा बदिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम रपा आत्मवित सम्मतम पुंसाम श्रोतव्यादि सुयपर। राजा तेरा प्रश्न बड़ा उत्तम है, तेरे प्रश्न से लोक का हित हो। अच्छा, बढ़िया डॉक्टर मिल जाए तो समझा के आधा रोग मिटा देता है, नहीं कच्चा डॉक्टर मिला तो नीम हकीम खतरे जान।
जान भी खतरा में डाल देगा। कुछ डॉक्टर इतना भयभीत कर देते हैं कि मरीज तो ऐसे ही बेचारा मरीज बना, अब भय समा गया और ज्यादा परेशान। एक वैद्य सदगुरु भी होते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु के वचनों में विश्वास करिए तो सदगुरु भी वैद्य होते हैं, जीव के कल्याण के लिए समाधान देते हैं। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को उत्तर दे रहे हैं कि हे परीक्षित, आप कहते हो हम मर जाएंगे तो संसार में अमर होके कौन आया है? इस संसार में तो जितने आए हैं सब एक दिन संसार छोड़ के जाएंगे। यहां अमर होके कोई नहीं आया है, कोई थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, लेकिन जाना सबको है। एक दिन सबको जाना होगा, रीत यही संसार की। तो हे राजन, अमर होके कोई नहीं आया, आप कहते हो सात दिन में क्या होगा? तो सुखदेव जी ने कहा, आठवां कौन सा दिन होता जरा तू ही बता। सातवें दिन तो है रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, सात दिन के अलावा आठवां कोई दिन होता ही नहीं। जब सारी दुनिया इसी सात दिन में घूम रही है तो हे राजन घबरा क्यों रहे हो? अरे तुमको तो कम से कम गारंटी पता है कि तुम सात दिन जीने वाले हो, बाकी दुनिया के लोगों को तो एक क्षण का पता नहीं है कि कल क्या होगा। कहां काल की कृतांत वायु बहे, कब कौन प्राणी काल का ग्रास बन जाए, इसका कोई पता नहीं। इसलिए हे राजन, तुम तो कम से कम विश्वास से कह सकते हो कि मैं सात दिनों के लिए अमर हूं। हे परीक्षित जी, यदि वाणी का बाण चलाया गया है तो ज्ञान का कवच ही आपकी रक्षा कर सकता है, और भागवत कथा रूपी ज्ञान का कवच आपको पहनाऊंगा। और उस ज्ञान के कवच में जब तुम अपनी शुद्ध बुद्धि से भगवान के चिंतन में लगोगे तो लाखों तक्षक डसते रहे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम तो भगवान में मति लगा के गति पा जाओगे। हे राजन, अब एक काम करो, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान हर जगह हर क्षण उपस्थित हैं, यह जान करके भगवान की कथा कानों से सुनो। सुनने से बड़ा जल्दी भगवान का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए पढ़ने से भी ज्यादा जरूरी होता सुनना। सुनने से बात जल्दी समझ में आ जाती है, इसलिए श्रोतव्य सुनो और कीर्तितव्य भगवान के नाम का कीर्तन करो और स्मर्तव्यश्च सर्वदा। अच्छा, भगवान हर जगह हर क्षण हाजिर है। आप कहीं यदि हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हो और हजारों मीटर ऊपर हवाई जहाज डगमगाए तो कौन याद आता? कहे भगवान याद आता। आदमी को लगता है कि अब यहां और कोई नहीं बचा सकता भगवान के सिवा, इसका मतलब आसमान में भी भगवान रहते हैं। अच्छा, किसी निचाट जंगल में फंस जाओ डर लगे तो वहां भी कौन याद आता? कहे भगवान याद आता, क्योंकि विश्वास है कि इस जगह और कोई है नहीं। हाँ, भगवान बचा सकते हैं, क्योंकि भगवान हर ही सर्वत्र सर्वदा, भगवान हर जगह हर क्षण उपस्थित रहते हैं। वो तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान।
कैसे प्रकट होई जाना। हर जगह समान भाव से भगवान उपस्थित हैं, जहां प्रेम प्रबल होगा वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। एक राजा अपने गुरुजनों से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे हैं भगवान और क्या करते हैं। गुरुजन बड़े चिंता में पड़ गए कि कैसे बताऊं राजा को कि भगवान कहाँ। तो उन गुरुजनों के साथ एक बड़ा होनहार बच्चा आया था, जुआ ब्रह्मचारी, बड़ा तेजस्वी बालक। उसने कहा, राजन मैं बताता हूं भगवान कहां रहते। बच्चे ने कहा, राजन मुझे बड़ी भूख लगी है, जरा एक कटोरी दूध मंगा दो और फिर आपको हम बताते हैं भगवान कहां रहते हैं। राजा ने तुरंत एक कटोरा बढ़िया ओटा हुआ दूध मंगवाया। बालक दूध का कटोरा लेके घूर घूर के दूध को देखने लगा। राजा ने पूछा, पी क्यों नहीं रहे हो। बालक ने पूछा, राजा मैंने सुना है दूध के अंदर घी रहता, वही खोज रहा हूं, है कहां, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा। राजा ने कहा, अरे बालक तुमको मालूम नहीं है दूध के अंदर घी रहता पर दिखाई नहीं देता। तो बालक ने भी हंस के कहा, इस संसार में हर जगह भगवान रहते पर दिखाई नहीं देते। जैसे दूध में घी नहीं दिखाई देता लेकिन सबको मालूम है कि दूध के अंदर घी रहता है, ऐसे ही कण कण में सर्वत्र भगवान वास करते हैं, वो दिखाई नहीं देते। राजा ने कहा, ऐसा नहीं है, अरे इसी दूध को आउट के उसमें जोरन छोड़ दिया जाए, दही बन जाए, अब फिर उसको जब मथेंगे मथानी लेकर के, तो दही के अंदर दूध के अंदर वाला घी प्रकट हो जाएगा। तो बालक ने कहा, ऐसे ही जिस व्यक्ति ने भगवान को देखना चाहा तो उसने तपस्या की अग्नि में स्वयं को तपाया है और प्रेम श्रद्धा भक्ति का जामन छोड़ के जिसने भगवान का चिंतन किया, भगवान का ध्यान लगाया, तो उस भक्त के जीवन में भगवान प्रकट हो गए। तो जैसे प्रयास करने पर दूध से दही बनकर के घी प्रकट हो जाता, ऐसे ही त्याग तपस्या से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राजा ने पूछा, बालक एक बात बताओ, मान लिया भगवान सब जगह है और भगवान मिलते भी हैं, तो भगवान करते क्या। बालक ने पूछा, एक बात बताओ राजा साहब, गुरु बन के पूछ रहे हो कि चेला। राजा ने कहा, हम चेला बन के पूछ रहे हैं। राजा ने उस बाल ब्रह्मचारी बालक को ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया, खुद चरणों में बैठ गए कि अब महाराज बताओ भगवान क्या करते हैं। तो बालक ने हंस के कहा कि हे महाराज, भगवान यही करते हैं, नीचे वालों को ऊपर भेजते हैं। भाई यहाँ का टाइम खत्म तो कहते चलो, वहां का टाइम खत्म तो यहाँ भेजते हैं, आ जाओ नीचे। तो भगवान तो नीचे वालों को ऊपर भेजते, ऊपर वालों को नीचे भेजते, यही करते हैं। वो तो सारे संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार संसार में पल देते हैं। जो चेतन को जड़ कर रही जड़ ही कर रही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक कहीं भजहुं भजते दिन। हे राजा, जैसे पेड़ के जड़ में पानी डाल दो पूरे पेड़ को पानी मिल जाता है, ऐसे ही राम जी की और कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है, क्योंकि ये सभी देवताओं के मूल हैं, आधार हैं। समुद्र की पूजा कर लीजिए तो सारी नदी का पूजा हो जाता है, क्योंकि हर नदी घूम घुमा के समुद्र से मिली है। ऐसे ही राम कृष्ण की पूजा से सारे ही देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए हे राजा, अपना कल्याण चाहते हो तो पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण के शरण में चले जाओ, उन्हीं की कथा सुनो, उन्हीं का ध्यान लगाओ, उन्हीं का चिंतन करो, जीवन नैया पार हो जाएगी। वो तो कल्प वृक्ष की तरह अपने भक्त के सारे मनोरथ पूरे कर देते हैं, वो भक्त वांछा कल्प तरु। तो भगवान की अनंत लीला है, अनंत कथा है।
अब इसके आगे की कथा कल सुनाऊंगा, लेकिन कल धूमधाम से हम लोग भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। कल ये पूरे जगह को अच्छे से सजाया जाएगा। तो कल ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, वामन जन्म की कथा, राम जन्म की और कृष्ण जन्म उत्सव कल खूब धूमधाम से मनाया जाएगा। सुंदर सुंदर बधाई सोहर आप सब सुनेंगे। तो कल आप लोग ऐसा वातावरण बनाइए कि लगे कि गिठनी बाजार ये जगह साक्षात वृंदावन है, साक्षात अयोध्यापुरी है। तो कल हम लोग खूब धूमधाम से भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे। आज की सेवा यही भगवान के चरणों में समर्पित है। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो, माली बाबा तुलसी की बानी राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। राधा गोविंद भगवान की जय हो। अब सब लोग खड़े होके इधर आए, परिवार के लोग एक एक करके भगवान की पूजा भी करें, आरती भी करें। सब लोग मिलजुल करके भगवान राधा गोविंद की पूजा करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल नागर नवल छयल रसिया, नागर नवल छयल
बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है तार। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ पंचम वेद निराला है, पंचम वेद निराला है, ये पंचम वेद निराला है। तब ज्योति जगाने कृष्ण
राधे राधे कृष्ण।